बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं जैन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम यहां से एडिटिंग में से ये जो यहां पर फिल के टूल्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। डाउन, राइट, अप और लेफ़्ट, इन टूल्स को हम यूज़ करना सीखेंगे। इससे पहले कि मैं अपने लेक्चर का प्रॉपर आगाज़ करूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सेल की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेनिंग चाहते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे पेज पे कमेंट कर रहे हैं कि जी हमें आप इसका लिंक बताएं। तो लिंक है हमारे यूट्यूब के चैनल का, ये जो लिंक है www.youtube.com/educationalrevolution, ये हमारे यूट्यूब के चैनल का लिंक है। आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जाएँ और वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जितनी भी वहाँ पर वीडियोस हैं एक्सेल की, एक्सेल फॉर बिगिनर्स की लेक्चर्स की, वो एक प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगी। तो आप वहाँ से बेसिक टू एडवांस लेवल के जितने भी ऑप्शंस हैं उनको यूज़ करना सीख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, जितने भी ऑप्शंस होंगे वो डिटेल से आपको उसमें गाइड किया जाएगा। तो अब आते हैं कुछ अपने लेक्चर की तरफ। तो ये देखें, इस यहाँ पर जो टूल्स हैं इनको हम यूज़ करना सीखेंगे। मैं यहाँ पर कोई नेम लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जैन लिख लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से थ्री सेल जो राइट साइड पे हैं इनमें जैन लिखा हुआ आ जाए। तो यहाँ पर अगर मैं राइट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करूँगा, ये मैंने तीन सेल सिलेक्ट कर लिए राइट साइड से और एक सेल मैंने वो सिलेक्ट कर लिया जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब अगर मैं राइट ऑप्शन पर क्लिक करता हूं तो आप देखें जितना भी डाटा था वो राइट साइड पे फिल हो गया है। सेम इसी तरह अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो हमें अप के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करके नीचे लेके आते हैं तो हमें डाउन पर क्लिक करना पड़ेगा, तो सारा डाटा डाउन आ जाएगा। इसी तरह इस तरफ लेके जाऊँ मैं इसको तो मुझे लेफ़्ट के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह ये जो फिल के ऑप्शन हैं इनकी मदद से हमें फ़ायदा ये होता है कि जो आपका सेल में डाटा होता है वो लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन किसी भी साइड में आप सेम वही डाटा उसको फिल करवा सकते हैं। कुछ शॉर्ट कीज भी हैं, वो भी आप नोट कर सकते हैं। मैं इस सारे डाटे को करता हूँ यहाँ से डिलीट। इस सेल में मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैन। तो अगर आप यहाँ पर हैं राइट साइड पर तो आप कंट्रोल आर प्रेस करें तो जो डाटा होगा वो आपके राइट साइड पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद अगर आप नीचे हैं, टेक्स के नीचे आप लिखना चाह रहे हैं तो आपने कंट्रोल डी लिखना है। कंट्रोल डी करेंगे तो वही वैल्यू डुप्लीकेट होकर नीचे आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये जो अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट के ऑप्शन हैं इनकी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है फ्लैश फिल का ऑप्शन। फ्लैश फिल के ऑप्शन को हम यूज़ करना सीखेंगे जब हम डाटा के ऑप्शंस में पहुँचेंगे और डाटा के ऑप्शंस को यूज़ करना सीख रहे होंगे। तो ये देखें, यहाँ पर डाटा टूल्स में से हमारे पास यहाँ पर ये जो बटन है ये फ्लैश फिल का बटन है। तो जब हम डाटाज के टूल्स को सीख रहे होंगे तब हम फ्लैश फिल को सीखेंगे। अभी हम इसको छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ से सॉर्टिंग और फिल्टर को समझेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।